से कनेक्ट किया है एंड स्पीड टेस्ट डॉट नेट पर हमें डाउनलोड स्पीड इस राउटर से मिल रही है 4.4 तक डाउनलोड स्पीड इस राउटर से मिल रही है एंड हेलो एवरीवन वेलकम टू टेक स्मार्ट आज हमारे पास आपके लिए एक स्पेशल एक्साइटिंग लेटेस्ट वाईफाई राउटर की अनबॉक्सिंग है यस yes, ये है टिपिलिंग आर्चर बी नाइन हंड्रेड वर्ल्ड फर्स्ट वाई फाई सेवन राउटर एंड ये वर्ल्ड का सबसे पहला वाई फाई सेवन राउटर है जिसका टोटल वाई फाई थ्रू पुट जीबीपीएस है आपको ये राउटर बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए क्यों बाय करना चाहिए वेल well, ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है लेकिन अगर आप एक रेगुलर हाई स्पीड वाईफाई यूजर हो तो हम आपको रिकमेंड करेंगे आप इस वीडियो को जरूर देखिए बिकॉज ये राउटर लेटेस्ट वाई फाई सेवन टेक्नोलॉजी पर आने वाला वर्ल्ड का सबसे पहला राउटर है इस वीडियो में आपको पता चलेगा वाई फाई सिक्स एंड वाई फाई सेवन राउटर में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है सो इन फ्यूचर अगर आप कोई वाई फाई राउटर बाय करते हैं तो आपको रफली एक आइडिया आ जाएगा कि आपको कौन सा राउटर बाय करना चाहिए अनबॉक्सिंग करने से पहले हम वाई फाई सेवन का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं बेसिकली वाई फाई सेवन वायरलेस नेटवर्किंग का बी स्टैंडर्ड से मेंशन करते हैं इसे एक्सट्रीम हाई थ्रूपुट प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है ये टू प्वाइंट एंड सिक्स गिगर्ट तीनों वायरलेस बैंड को सपोर्ट करता है वाईफाई सेवन का मैक्सिमम थ्रूपुट फोर्टी सिक्स जीबीपीएस तक जा सकता है जबकि में नाइन जीबीपी तक मैक्सिमम थ्रूपुट मिलता है प्लस वाई फाई सेवन में हमें थ्री ट्वेंटी मेगा अल्ट्रा वाइड वायरलेस चैनल मिलता है जो मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ हाई स्पीड बैंडविड प्रोवाइड करता है तो अगर आप हाई स्पीड लेट फ्री स्मूथ वाईफाई नेटवर्क चाहते हैं तो आप वाईफाई फाई सेवन राउटर्स को कंसिडर कर सकते हैं चलिए अब आते हैं हमारे राउटर पर करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है तब तक आप देखिए इसका क्विक वेव एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बॉक्स में हमें मिलता है एक यूनिट आर्चर बीई नाइन हंड्रेड पावर एडाप्टर फिफ्टीन वोट का पावर इसके साथ आता है RG45 केबल एंड यूजर मैनुअल और एक रिसेट करने के लिए एक टूल इसमें आता है अगर आपको राउटर रिसेट करना है तो इससे आप राउटर रिसेट कर सकते हो इजीली चलिए अब इसके डिजाइन एंड हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं वी फोल्ड शेप में मेटेलिक टेक्सर के साथ काफी अच्छे स्टाइलिश लुक में ये राउटर आता है वेंटिलेशन पर्पज से फ्रंट एंड टॉप में इसे नेटेड प्लास्टिक बॉडी से डिजाइन किया गया है साइड में यहाँ पर टीपी टिपिलिंग की ब्रांडिंग दिखाई देती है यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एलईडी पैनल आता है जिसमें आप अलग अलग टाइप के इमोजी एंड टेक्स मैसेजेस ब्रॉडकास्ट कर सकते हो जैसे सब्सक्राइब टू टेक स्मार्ट डाउन साइड में एक एलईडी टच स्क्रीन आती है जिसमे कैलेंडर इन्फॉर्मेशन वेदर इन्फॉर्मेशन राउटर में होने वाली अलग अलग इवेंट्स लाइक सीपीयू यूटिलाइजेशन बैंडविट यूटिलाइजेशन और कनेक्टेड डिवाइस सीपीयू कितना यूज हो रहा है ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इजीली ऑन स्क्रीन देख सकते हो एंड इसी स्क्रीन में नीचे तीन टच एलईडी बटन आते हैं वाईफाई ऑन ऑफ डब्ल्यूपीएस एंड सेटिंग्स के लिए बटन आते हैं बैक साइड में हमें टोटल सात इथरनेट पोर्ट मिलते हैं जिसमें से ये चार पोर्ट 2.5 पॉइंट फाइव की स्पीड को सपोर्ट करते हैं ये दो पोर्ट 10 जीबीपीएस की स्पीड को सपोर्ट करते हैं इसमें से ये वाला जो पोर्ट है ये कॉम्बो पोर्ट है इसमें आप फाइबर ऑप्टिकल मॉड्यूल एसएफपी मॉड्यूल को कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हो इस तरह का मॉड्यूल मार्केट में मिलता है राउटर के साथ आपको नहीं मिलता है बट ये टेन जीबी पी एस का एक मॉड्यूल आप यहाँ पर इस तरीके से इंसर्ट करके इस तरीके से इंसर्ट करके फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो और फाइबर कनेक्टिविटी आप इससे इस राउटर में यूज कर सकते हो डाउन साइड में एक यूएस बी टू पॉइंट जीरो एंड एक यूएस बी थ्री पॉइंट जीरो के पोर्ट आते है इन पोर्ट्स में आप यूएस बी ड्राइव कनेक्ट करके मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर सकते हो लाइक like आप अपने लिए पर्सनल क्लाउड क्रिएट कर सकते हो पर्सनल मीडिया सर्वर क्रिएट कर सकते हो या अपने मैकबुक का टाइम मशीन बैकअप भी ले सकते हो यहाँ पर एक रीसेट का बटन है इनकेस अगर आप राउटर की सेटिंग्स को मिस कर देते हो तो यहाँ से राउटर को रीसेट करके आप रिकनफिग्रेशन कर सकते हो ये पावर ऑन ऑफ का बटन है यहाँ से आप राउटर को पावर ऑन ऑफ कर सकते हो और ये पावर सॉकेट यहाँ पर दिया हुआ है राउटर को टोटल 15 वोट का पावर पावर सोर्स लगता है चलिए अब इसके वायरलेस स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं इस राउटर में टोटल 12 इनबिल्ड एंटीना लेफ्ट साइड में 6 एंटीना राइट साइड में 6 एंटीनाज आते हैं इन एंटीनाज में बीम परफॉर्मिंग 4K QAM एंड हाई पावर एफ का सपोर्ट मिलता है जिससे एक प्रॉपर हाई परफॉर्मेंस रॉबर्ट नेटवर्क क्रिएट होता है एंड ये एक बैंड वाईफाई राउटर है इसमें हमें टोटल चार वाईफाई के बैंड मिलते हैं जिसमें दो बैंड फाइव गीगा इस राउटर मेंट्स पर इलेवन पॉइंट फाइव जीबीपीएस की स्पीड फाइव गीगा हर्ट्स पर फाइव पॉइंट सेवन जीबीपीएस की स्पीड एंड टू पॉइंट फोर गीगाट्स पर हमें वन पॉइंट थ्री जीबीपीएस की स्पीड मिलती है इस राउटर में थ्री ट्वेंटी मेगा हर्ट्स का अल्ट्रा वाइड वायरलेस चैनल आता है एंड ये राउटर फोर इंटू फोर एमयू मीमो एंड ओ एफ डी एम ए टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है जिससे मल्टीपल डिवाइसेस को लॉन्ग डिस्टेंस तक वाईफाई नेटवर्क पर प्रॉपरली कम्युनिकेशन एंड हाई स्पीड मिलती है इस राउटर में लेटेस्ट डब्ल्यू पी ए थ्री वायरलेस सिक्योरिटी आती है एंड ये राउटर एक्सेस पॉइंट मोड एंड राउटर मोड दोनों को सपोर्ट करता है ये राउटर आई पी वी फोर एंड आई पी वी सिक्स दोनों इंटरनेट प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है ये राउटर वीपीएन क्लाइंट एंड वीपीएन सर्वर दोनों को सपोर्ट करता है अगर आप चाहें अपना पर्सनल वीपीएन सर्वर क्रिएट करना वो भी आप इसमें कर सकते हो या इस राउटर को एज अ वीपीएन क्लाइंट यूज करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हो एंड ये राउटर इजी मैच को भी सपोर्ट करता है अगर आपके पास सेम फैमिली के मल्टीपल राउटर्स है तो एक ही सिंगल वाईफाई नेम क्रिएट करके आप मल्टीपल रूम्स में एक ही नेटवर्क को यूज कर सकते हो जिससे एक रूम से दूसरे रूम में रोम करते समय आपका वाईफाई नेटवर्क डिस्कनेक्ट नहीं होता है इस राउटर में आपको एडवांस पेरेंटल कंट्रोल का भी सपोर्ट मिलता है जिससे आप अपने किड्स के यूजर्स के अकॉर्डिंग कंटेंट फिल्टरिंग कर सकते हो मेलेशियस वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हो एंड इंटरनेट एक्सेस को शेड्यूल भी कर सकते हो चलिए अब हम इस राउटर को कॉन्फ़िगर करके इसका स्पीड एंड वायरलेस परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं हमने इसे ऑप्टिकल केबल से 10G SFP मॉड्यूल से कनेक्ट किया है राउटर का कॉन्फ़िगरेशन काफी सिंपल है आपको जस्ट इसे पावर अप करना है एंड इसके डिफॉल्ट वाईफाई नेटवर्क से आपके सेल फोन को कनेक्ट करना है उसके बाद टिपिलिंग का तिथर ऐप ओपन कीजिए राउटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा उसके बाद राउटर का एडमिन पासवर्ड सेट करना है कौन से पोर्ट पर आपको इंटरनेट कन्फिगर करना है उस पोर्ट को सिलेक्ट करना है उसके बाद आपके इंटरनेट कनेक्शन की डिटेल्स फिलअप करना है उसके बाद वाईफाई नेम एंड पासवर्ड सेट करना है और विदिन फिफ्टीन टू ट्वेंटी सेकेंड में आपका राउटर इजिली कन्फिगर हो जाता है सो so, फाइनली हमारा राउटर कन्फिगर हो चुका है अब इस राउटर में एक वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन है हमने इससे कनेक्ट किया है सैमसंग गैलेक्सी एस ट्वेंटी थ्री अल्ट्रा एंड इसमें हमें टू पॉइंट फोर जी बी पी एस का लोकल वायरलेस थ्रोपोट मिला है सबसे पहले हम स्पीड टेस्ट करेंगे स्पीड टेस्ट डॉट नेट पर और स्पीड टेस्ट डॉट नेट पर हमें मिली है 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 GBPS एट ऑलमोस्ट टू GBPS तक ये राउटर हमें स्पीड दे रहा है डाउनलोड स्पीड इस पर हमें मिली है 1.9 पॉइंट एंड अपलोड स्पीड 1.4 पॉइंट की इस राउटर में हमें मिल रही है एक और बार स्पीड टेस्ट करेंगे और इस बार हमें मिली है 900 एमबीपीएस नहीं ये वापस बढ़ रहा है 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 जीबीपीएस की डाउनलोड स्पीड अगेन मिली है 1928 एमबीपीएस की डाउनलोड स्पीड एंड 1380 एमबीपीएस की अपलोड स्पीड काफी अच्छा परफॉर्मेंस ये राउटर हमें दे रहा है अगला टेस्ट हम कर रहे हैं राउटर से तकरीबन 50 मीटर तक यहाँ पर हमें लोकल थ्रूपुट मिला है का एंड पर हमें राउटर पर डाउनलोड स्पीड मिली है सिक्स फिफ्टी एंड अपलोड स्पीड हमें मिली है थ्री ट्वेंटी एमबीपीएस अगला टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं राउटर से लगभग 100 मीटर की डिस्टेंस पर और यहाँ पर हमें थ्रूपुट मिला है 576 सेवेंटी एमबीपीएस का एंड डाउनलोड स्पीड हमें यहाँ मिली है 230 हंड्रेड एंड अपलोड स्पीड हमें मिली है 150 Mbps. और एक बात नोट कर लीजिए दोनों लोकेशन पर 50 मीटर एंड 100 मीटर पर हमें वाईफाई का सिग्नल फुल मिला है एक बार इस राउटर पर हम हार्डवायर से स्पीड टेस्ट कर लेते हैं हमने इससे टेन जी पोर्ट से पी से, से कनेक्ट किया है एंड स्पीड टेस्ट डॉट नेट पर हमें डाउनलोड स्पीड इस राउटर से मिल रही है 4.4 GBPS, 5.5, 5.6, 5.8, 5.8 GBPS तक डाउनलोड स्पीड इस राउटर से मिल रही है एंड अभी अपलोड अपलोड स्पीड 3.9 GBPS, approximately 4 अप्रोक्सीमेटली की अपलोड स्पीड इस राउटर से हमें मिल रही है रियली माइंड ब्लोइंग स्पीड इस राउटर से आ रही है सो फ्रेंड्स फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं यही था इस राउटर का स्पीड एंड वायरलेस परफॉर्मेंस टेस्ट पर्सनली हमें ये राउटर काफी अच्छा लगा है क्योंकि इसने 1.9 पॉइंट जीबीपीएस डाउनलोड एंड 1.5 पॉइंट जीबीपीएस अपलोड स्पीड दिया है लॉन्ग डिस्टेंस पर भी इस राउटर ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इसकी लोवेस्ट डाउनलोड स्पीड 200 हंड्रेड एमबीपीएस थी लेकिन 200 हंड्रेड एमबीपीएस में भी आप कोई सा भी काम कर सकते हो एस वीडियो प्ले कर सकते हो गेमिंग कर सकते हो तो नो डाउट ये राउटर काफी अच्छा है अगर आपके पास अबोव 500 हंड्रेड इंटरनेट कनेक्शन है तो डेफ़िनेटली आप इस राउटर को कंसिडर कर सकते हो ये राउटर सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कंपेटेबल है अगर आपको ये राउटर बाय करना है तो इसकी बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है काफी मेहनत लगती है सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए डेट्स इट फॉर दिस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय